नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टी अड्डा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें आपको एक फुल फॉर्म के एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ग्राफ यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरैक्ट, या ग्राफिक यूजर इंटरफेस, या ग्राफिकल यूजर इंटरैक्ट। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C3, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका GUI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है अनडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स लोकेटर, सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, थर्ड ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, और फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, यानी सेकंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड 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 वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेनी वेबिनर, या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका WWW का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIU का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉमिनल इंटरनल यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज, और फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क इंटरनल यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B। B आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है मूल निवेश या आउटपुट प्रणाली, बेसिक इन या आउट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फोर्थ ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से CC का पूर्ण रूप, जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र या फील्ड है। आपके ऑप्शन है एंटी न्यूएस कॉपी, कार्बन कॉपी, करेक्टर कॉपी, या कंट्रोल कॉपी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन कॉपी या कार्बन प्रतिलिपि, CC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का विस्तृत रूप क्या है? आपके ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेट सर्विस, या डेटा नेट सिस्टम, या डोमेन नेम सेटअप। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, डोमेन नेम सिस्टम। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, DNS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोसेस, सिंपल मैसेज टुगेदर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोसेस, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका SMTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है? OLE का संक्षिप्त रूप आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एनेबलिंग, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लोकेशन एनेबलिंग, या फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एबिल्डिंग। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अबेंडिंग। ये आपका OLE का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, MDI का पूर्ण रूप क्या है? MDI का पूर्ण रूप क्या है? आपके आपका ऑप्शन है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस,
सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल डिजाइन इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल डिजाइन इंटरेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MDI का मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म WORM किसका संक्षिप्त नाम है? आपके ऑप्शन है राइट मीन्स रीड मेनी, या वर्ड ऑन रैम मेमोरी, या वर्ड ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन मालवेयर, या फोर्थ ऑप्शन है वायरलेस ऑपरेटिंग रीड मॉड्यूल। आपका करेक्ट ऑप्शन थ्री हो जाएगा, वर्ड ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन मालवेयर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11वें का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JPEG का सही या फुल फॉर्म कौन सा है? आपका ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, या ज्वाइंट पिक्सल एक्सपोर्ट्स ग्रुप। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा JPEG का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, या पोर्ट नेटवर्क ग्राफिक्स। आपके ऑप्शन हो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये आपका PNG का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोम PROM का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है प्राइम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, या प्रोग्राम रीड ऑनलेबल मेमोरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर बेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फोर्थ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कंट्रोल लाइन इंटरप्रेटर, सेंट्रल लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कोड लाइन इंटरफेस, या कमांड लाइन इंटरफेस। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइव, फाइव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ये CLI का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है VPN का विस्तारित रूप, VPN का विस्तारित रूप। आपके ऑप्शन है वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वेरी प्रिटी नेटवर्क, या वेरी पावरफुल नेटवर्क, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये जो आपको फुल फॉर्म कराए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल फॉर्म के, तो आप इसको जरूर एग्जाम से पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, इससे एक एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी के बारे में USB का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल सर्विस बस, या यूनिक सीरियल बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिक सर्विस बस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका USB का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और थर्ड फोर्थ है आपका हायर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या /IP, TCP/ या इंटर प्रोवाइडर, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर कोड प्रोटोकॉल, या फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या /इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, TCP का करेक्ट ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीपी से क्या समझते हैं, ओटीपी से क्या समझते हैं। आपका ऑप्शन है ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग, सेकंड ऑप्शन है ओनली ट्रांसफर पैड, या वन टाइम पासवर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओटीपी का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का क्या अर्थ है, पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन दिया है इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आईएसपी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कि सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट है, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है डीवीडी, वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी है वीडियो डिजिटल डिस्क, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस, डॉस का पूरा रूप, डी ओ एस का पूरा रूप क्या है। आपके ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या डॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आपका HTML का पूर्ण रूप हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है मॉडुलर डिमोडुलेशन, या मॉडुलर डिमोडुलेटर, या मॉडुलर डिसेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉडुलेटर डिमोडुलेटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मॉडेम का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LCD का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लीड क्रिस्टल डिवाइस, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या सॉरी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये LCD का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इंग्लिश मेल, या इसेंशियल मेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, GIF का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, सेकंड ऑप्शन है ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, या ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपका GIF का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF, PDF का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या पोर्टेबल डाटा फाइल, या पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका PDF का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से EDP का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, EDP का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लैन का पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाइन एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लीडिंग एरिया नेटवर्क, या लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, मतलब ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रैम हो सकता है, कि रोम हो सकता है, कि CPU हो सकता है, कि ALU हो सकता है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM, रैम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAN का पूर्ण रूप, WAN का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड
एरे नेटवर्क या वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई आपके ऑप्शन दिया है वायर्ड फाइल्स या वायरलेस फाइल ट्रांसफर या वायरलेस फाइंडर या वायरलेस फिडेलिटी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ई ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस ई ओ? आपके ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड ऑप्शन सर्च इंजन ऑपरेशन या बोथ या नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एस ई ओ का फुल फॉर्म होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म डी पी आई? तो आपके ऑप्शन दिया है डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच, बोथ या नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉट्स पर इंच जो है डी पी आई का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एस एम पी एस का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सेकंड ऑप्शन है स्विच्ड मॉडल पावर सीरीज, थर्ड ऑप्शन है स्विच्ड मोड पावर सिस्टम और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है नन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। लास्ट का क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, एफ टी पी का पूर्ण रूप क्या है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल प्रोवाइडर प्रोटोकॉल या नन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एफ टी पी का पूर्ण रूप हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कराया गया है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको एक नंबर इससे मिल सकता है आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपको कंप्यूटर की अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।